बाड़मेर में इन दिनों मानसून की झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। इस बीच धार्मिक उत्सव पर पूरे परवान पर हैं। बाड़मेर के बेरियों का वास में ठाकुर जी को नौका विहार यानी जल विहार उत्सव की धूम मची हुई है। यहां कई घरों में पुष्करणा ब्राह्मण परिवारों की ओर से प्रतिवर्ष नौका विहार उत्सव मनाया जाता है। इसके तहत बारिश के नए पानी की आवक के साथ ही भगवान ठाकुर जी को गर्मी से राहत देने के लिए नौका विहार उत्सव मनाया जा रहा है। सूर्य नारायण के प्रकोप से इंसान सुबह से शाम तक झुलस रहा है, तो ठाकुर जी को भी इस भीषण गर्मी से राहत देने को मंदिरों के साथ साथ घरों में भी अनेकों तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर थार नगरी के कृष्णानगर बेरियों का वास में भक्तों द्वारा श्री राधा कृष्ण जी का नौका विहार उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। दरअसल बाड़मेर में इन दिनों मानसून की झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, इसलिए धार्मिक उत्सव भी पूरे परवान पर है। बाड़मेर के बेरियों का वास में ठाकुर जी को नौका विहार यानी जल विहार उत्सव की धूम मची हुई है। यहाँ कई घरों में पुष्करणा ब्राह्मण परिवारों की ओर से प्रतिवर्ष नौका विहार उत्सव मनाया जाता है। इसके तहत बारिश के नए पानी की आवक के साथ ही भगवान ठाकुर जी को गर्मी से राहत देने के लिए नौका विहार उत्सव मनाया जा रहा है। वैशाख पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा तक चलने वाले इस नौका विहार उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल नजर आया। सोमवार को बेरियों का वास में ठाकुर जी के महिला भक्तों की ओर से एक कुंड का निर्माण करवाया गया। इस कुंड में पानी भरने के साथ ही ठाकुर जी की प्रतिमा को एक नाव में सवार किया गया। इसके साथ ही पुष्प वर्षा कर महिलाओं ने ठाकुर जी के भजन गाए और उत्साह का आनंद उठाया। बेरियों का वास में सोमवार को आयोजित हुए नौका विहार उत्सव में श्रद्धालु महिलाओं में अपार उत्साह नजर आया। महिलाओं ने ठाकुर जी की प्रतिमा को नौका विहार कराते हुए सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कई महिलाएं ठाकुर जी के भजनों पर झूमती नजर आईं।